और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश कुमार जी पलटी मार गए। चार घंटा नहीं लगा, जनादेश का अपमान किया। जनादेश का अपमान मतलब आप सभी लोगों का अपमान करने का काम किया, आपको घोषणा करने का काम किया। फिर से उन्हीं लोगों को, आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को सरकार में बना लिया गया। तेजस्वी यादव जी को बहाना है, इनको तो बीजेपी में जाना था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले कि हम तो अपने पार्टी के लोगों को पहले ही बोल देते, सात से डेढ़ साल ही सरकार हम चला पाएंगे। तो आपने पांच साल के लिए जनादेश क्यों दिया? आप जनता को बताते क्यों नहीं बताया कि आप साल से डेढ़ साल ही चलाओगे? आपने क्यों गद्दारी की? किसका डर था? क्या चीज का लालच था? सृजन घोटाले का डर था कि शौचालय घोटाले का डर था? बाल घोटाले का डर था कि छात्रवृत्ति घोटाले का डर था? बताए नीतीश कुमार जी। अरे मोदी जी, लोग 2014 में राहुल जी बोलते रह गए, आप लोगों को फैसला करना है कि देश हमारा एक रहेगा या टूटेगा। लेकिन अच्छे दिन आएंगे, इतना ही लोग प्रचार किया, टीवी पे, अखबार पे, अच्छे दिन आएंगे, नौजवान सभी भाग गया। अब पछता रहा कि नहीं पछता रहा? हाथ उठा के बताइए, रोजगार मिल रहा है? गालियों गिट्टी सब बंद कर दिया, राजमिस्त्री को कोई रोजगार चौपट हो गया, बिहार का 500 चौपट हो गया। लेकिन नीतीश कुमार जी चार साल में चार सरकार बना दिए, हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा हुआ है? अब बताइए, जिस राज्य में चार साल में चार सरकार बनी हो वहां विकास कैसे संभव है? ये खाली किसको बनाओ उसको बनाओ, हमेशा बैसाखी पे रहते हैं, कभी भाजपा में, कभी इधर, कभी हम लोग के तरफ। बोलते थे भाजपा में नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। भाजपा में तो चले गए, मिट्टी में कब मिलेगा ये बता दीजिए। बोलते थे क्या क्या नहीं बोलते थे, संघमुक्त भारत बनाएंगे। अब मोहन भागवत को यहां बुला करके संघयुक्त बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। दिगेले क्या गाली जो प्रधानमंत्री दिए थे इनको, तो बोलते थे ये मेरा अपमान नहीं है, ये पूरे बिहार का अपमान है। अरे जिसने पूरे बिहार का अपमान किया, आज तुम कहां चले गए? अब किसने बिहार का अपमान किया, ये आप लोग बताने का काम कीजिए। आप दिगेले न छोड़िए। और जब लालू जी ने गरीबों की लड़ाई नहीं, नौजवान छात्र नेता से लेकर के आज 70 साल उम्र हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लेकिन इस उम्र में भी भाजपा और आरएसएस के सामने झुकने नहीं देंगे। लड़ाई लड़ने का काम किया। लालू यादव बोलते हैं कितना हमको जेल भेजोगे, अगर गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महादलितों के लिए अगर 100 साल की जेल में डालना पड़े, रहना पड़े, तो ये छोटी सी कुर्बानी हमको मंजूर है, लेकिन गरीब के साथ लालू जी न्याय करेंगे और उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहने का काम किया। आज तक भाजपा से समझौता नहीं किया। अगर हम लोगों को लालच होता सत्ता का, कुर्सी का लालच होता, तो आज हम लोग भी बिहार में मुख्यमंत्री बनकर के बैठे होते, भाजपा से समझौता कर लिए होते। लेकिन अपने विचारधारा से, इतिहास उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया। आज हम आप लोगों को वचन देते हैं कि लालू जी ने मध्य दम का खाना है कि भाजपा में नहीं जाएंगे ना मिलेंगे, बल्कि भाजपा को देश से जाने का काम करना है, उसे निकालने का काम करेंगे। हम भी उसी कदम उसी रास्ते पे चलने का काम करेंगे। हमको सत्ता प्यारी नहीं है, हमको कुर्सी प्यारी नहीं है, हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष के नाते आप लोगों के साथी बन करके इस लड़ाई को हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हम भी अंतिम सांस तक, जब तक भाजपा को, आरएसएस को, दंगाइयों को, सांप्रदायिक शक्तियों को, जो सामंतवाद शक्तियां हैं,
जो भाईचारे को भंग करना चाहती है, जो भेदभाव करती है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इनको जब तक हम लोग बिहार से सफाया नहीं करते तब तक आपका ये बेटा ये भाई लड़ाई लड़ने का काम करेगा, इसका फैसले का काम नहीं करेगा। आप लोग देखिए, जो गरीबों की लड़ाई नहीं, चाहे रोहिया जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लालू जी हो, एक ही करना करते रहते। ये लोग सोचता था नीतीश जी कि मान लो कि बच्चा लोग के परिवार के केस मुकदमा कर दोगे तो लालू जी घबरा जाएंगे, झुक जाएंगे मोदी जी के सामने, डर जाएंगे। लोग ये सोचता था, और नीतीश कुमार को बहाना चाहिए था कि महागठबंधन से निकलेंगे तो जनता के बीच में क्या बोलेंगे, तो लोग मिल करके केस मुकदमा करवाया मेरे पूरे परिवार पे, मेरे माँ पे, मेरे भाई पे, मेरे पर 25 मुकदमा चल रहा है, क्या अपराध है, मेरे सभी बहनों पर, मेरे जीजा जी लोगों पर, मेरे बहन के ससुराल वालों पर। ये लोग सोचते थे कि डर जाए लालू यादव, डर जाए, अरे हमारे पिता शेर हैं, उदय है, जो सच के लिए लड़ता है, गरीब के लिए लड़ता है, वो डराने वाला है क्या? लोग सोचता था डर जाए, लालू जी नहीं गए, इनको लगता था कि लालू जी का बेटा डर जाए, हम कहां से डरने वाले हैं, तो मेरे पिता का खून मेरे अंदर है तो हम भी डरने वाले हैं, हम लोग खत्म करेंगे इनके राजपाट को, फिर से गरीब के राज को लाएंगे, फिर से नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात करेंगे। आज क्या खाएगा, क्या पहनेगा, इसी पे चर्चा चलता रहता, देश बर्बाद हो रहा, किसान बेहाल, मजदूर को कोई काम नहीं मिल रहा, महंगाई इतना हो गया, शिक्षा चौपट हो गई, स्वास्थ्य चौपट हो गया, घुसखोरी बढ़ गई, और नीतीश कुमार जी घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, गिरिराज सिंह दलित का जमीन आना पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अमित शाह का बेटा 50,000 से 80 करोड़ रुपया कमा लेता है, लेकिन जांच नहीं हो सकता क्योंकि अमित शाह का बेटा, ये भाजपा के लोग हैं। नीतीश कुमार जी ये खुद पर मुकदमा चल रहा है, 20,000 का जुर्माना हो गया, 11 करोड़ देने का काम किया चोरी में, लेकिन मीडिया के इतना दबाव है कि इनको नौकरी से बर्खास्त कर देगा अगर दिखा देगा टीवी पे, खुद पे हफ्ते का मुकदमा चल रहा है, काहे नहीं टीवी ट्रायल करा लेते हैं, अभी घोटाला पे घोटाला हो रहा, गिरिराज सिंह दलितों का जमीन लूटा, अब हमारी चाचा जी का अंतरात्मा काहे नहीं जाग रहा, तेजस्वी में जाग रहा है, बताइए हम पे क्या आरोप लगाया कि रेलवे में जब हम 13-14 साल के थे तो हम रेलवे में बैठ के घोटाला करते थे, जब हम पढ़ाई करते थे, खेल कूद खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तब मेरा मुंसो ही था, तब बोलता है घोटाला करता, कुछ कर देता, पूरे देश के एजेंसियों को लगा रखता है, बड़ी बड़ी एजेंसी, CBI, ED, इनकम टैक्स, विजिलेंस, IG, राज का अलग पीछे पड़ा हुआ है, RSS बीजेपी अलग पीछे पड़ा है, हमारे चाचा अलग पीछे पड़े हैं, पूंजीपति अलग पीछे पड़ा है, मीडिया के कुछ समर्थित मीडिया जो बीजेपी माइंडेड है वो अलग पीछे पड़ा है, फिर भी लालू जी एकदम वही खड़े, बताइए हम लोग जब पापा जेल जा रहे थे तो बोले तो सांसद के साथ हमको भेजेगा तंग करेगा क्योंकि चुनाव आने वाला है, तुम लोग को भी तंग करेगा, बार बार कोर्ट कचहरी बुलाएगा, कभी इनकम टैक्स बुलाएगा, कभी ED बुलाएगा, CBI बुलाएगा, इसी में घुमाता रहेगा, जनता से दूर करना चाहता है, पूरे परिवार को, पूरे पार्टी को दूर करना चाहता है, तोड़ने की साजिश चल रही थी, लेकिन हम आपको बता दें कि लालू जी जल्दी ही बेल लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे, और जल्दी आएंगे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन हमारे पिता ने बोला बेटा निराश मत होना, मुकाबला करना, और जब भी निराश हो गए तो अपने मालिकों के बीच रह जाना, आज हम अपने मालिकों के बीच आए, जनता के भारत में आए,
अजंता की अदालत में ना तो तारीख दिया जाता है, ना तो सुनवाई होती है, सीधे फैसला होता है। आप लोग हम लोगों के मालिक है, आप लोग मालिक है, और हम न्याय के लिए आप लोगों के पास आए हैं। जो इन लोगों का अघोषित इमरजेंसी है, पूरे देश भर में भाईचारे को भंग करने का काम किया जा रहा है, आप लोग न्याय करने का काम कीजिए। और आप लोग जब तक लालटेन के बटन नहीं दबाइएगा, जब हम लोगों का बटन दबना शुरू होगा लालटेन के निशान पे, तब जाकर के ये लोग भागेंगे वहां से। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा उम्मीदवार होगा, महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है, रखिएगा कि नहीं रखिएगा, पूरी तरीके से हर जगह प्रचार करने का काम आप कीजिए। लालू यादव स्वयं बन करके घूमने का काम कीजिए, गांव टोले वार्ड वार्ड जाइए, खुद को लालू यादव समझिए। लालू यादव व्यक्ति नहीं है, लालू यादव विचारधारा है, और जो देश में दंगा फसाद कराना चाहते हैं उन लोगों से सावधान रहिए। दलित भाइयों, अति पिछड़े भाइयों, पिछड़ा भाइयों, आप लोग सावधान रहना। आपको ये मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देते हैं। महादेव जी मंदिर जाते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, जब तुम वापस आते तो पूरा मंदिर धुलवाया जाता है। ये लोग हम लोगों को पूजा पाठ का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, और वही लोग आप लोगों को आगे करके दंगा फसाद में खुद पीछे भाग जाते हैं, और निशान आप लोगों को होता है, आप पे होता, हत्या आप पे होती है। इसलिए ऐसे भाईचारे को जो भंग करने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है, दंगाइयों को भगाने की जरूरत है। बहुत तरह का व्हाट्सएप में वीडियो भेजेगा, मैसेज भेजेगा, भड़काने की साजिश होगी, अफवाह फैलाया जाएगा, लेकिन हम लोगों का फर्ज बनेगा कि भाईचारे को कायम रखने का, शांति बनाए रखने का। और जहां आप लोग उल्टा सीधा गुंडा, बीजेपी का गुंडा अगर कहीं दिखेगा तो उसको ठीक से समझाइए, मारना पीटना नहीं है, हिंसक लोग नहीं है। अभी तीर्थ यात्रा पे जाते हो खाली जूता चप्पल मारता है, लोग काला धंधा दिखाता है, लेकिन आप लोग से अपील है, मत दिखाइए जूता चप्पल, मत दिखाइए आप लोग काला झंडा। अगर सही में अगर आप लोगों को उनसे बदला लेना है तो ईवीएम पे लालटेन का बटन दबा करके आप लोग बदला लेने का काम कीजिए। आप लोग पूरी तरीके से एकजुटता के साथ, और हम तो अपने लोगों को कहना चाहेंगे, जैसे कृष्ण भगवान ने अपने गरीब मित्र सुदामा का चरण धो करके सेवा करने का काम किया था, उसी हिसाब से जितने अपने लोग हैं, जो हमारे अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनको आप लोग सेवा करने का काम कीजिए, मुख धारा में लाने का काम कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनकी रक्षा आप लोग करने का काम कीजिए। अगर ऐसा आप लोग करिएगा तो फिर से आप देखिएगा कि जितने मंडल के लोग हैं, आज बहुत जरूरत है आप लोगों को बोल बोल होने की। मैं तो आरक्षण खत्म, संविधान को खत्म, बाबा गोवर्कर आरएसएस का जो बंच ऑफ थॉट्स किताब है उसको लागू कर देगा, आपको जो अधिकार मिला है वो सारा छीन लिया जाएगा। आप बता दो कौन सा काम हुआ, हम तो यहाँ नहीं जाना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी बताएं, विशेष राज का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज 1,25,000 करोड़ की बोली नरेंद्र मोदी जी ने बोली थी, क्या बोलते थे, 70,000 करोड़ दूर की, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ दूर की, चलो 1,25,000 करोड़ रुपया दे, कहां गया पैसा, कहां है बिहार का अधिकार, सोते रहे व्यवहार कर रहे हैं लोग। और यहाँ चाचा जी बिहार में विकास हो रहा, किसान मर रहा है, आत्मदान कर रहा है, मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन बिहार में बाहर है विकास हो रहा, घोटाले पे घोटाला हो रहा, लेकिन बिहार में बाहर है। आजकल कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, चेहरा ऐसे लगा हुआ था, झुका हुआ था, लालू जी से डरते थे, अब तेजस्वी से भी डरने लग गया था।
इतना डर क्यों है? विधानसभा हुआ, विधानसभा में हमने भाषण दिया, कितने सवाल हमने पूछे, एक जवाब ना तो सुशील मोदी के पास था नीतीश कुमार जी का। और आप तो सुन लीजिए, नीतीश जी ज्यादा से ज्यादा राजनीति करेंगे, वैसे राजनीति हत्या तो हो ही गया है, बीजेपी ने कर दिया, या कह सकते उन्होंने अपने आप को राजनीतिक आत्महत्या खुद ही कर दिया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर राजनीति नीतीश जी का चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल 9 सीट के 5 साल, और हमको राजनीति कम से कम 50 साल तक हो। आप लोग यहां ना शक्ति दीजिए, ऊर्जा दीजिए, जो लोग डूब रहे हैं उनको डूबने दीजिए, और डूबे क्या, खुद ही अपना काम बिगाड़ दिए। अब हमको कभी कभी चाचा है तो थोड़ी चिंता भतीजा को हो ही जाती है। बीजेपी का नारा इतना दाब रहा है, इतना दाब रहा है, बताओ मुख्यमंत्री का पार्टी है, तीनों जगह कहीं चुनाव नहीं लड़ेगा, बताइए, बड़ा जनाधार है, कहां कहां नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ते हैं, अभी कहां गुजरात में चुनाव लड़े, यूपी में चुनाव लड़े, दिल्ली में चुनाव लड़े, बिहार कहीं नहीं लड़ता रहे, बड़ी बेइज्जती, क्या बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। सत्ता, अब बोलते हैं नीतीश कुमार जी कि हम गठबंधन के नेता नहीं है, एनडीए गठबंधन के नेता नहीं, हम तो सरकार के नेतृत्व कर, लेकिन कितना चिंता हो रहा हमको, कितना पानी पिला के बीजेपी वाला 2012 का बता दे, इनको समझ में आए कितना लालच बढ़ गया था कुर्सी का, कितना डर हो गया था सीजन का, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई, आप फंसे तो खैर जो भी है, अब वो अपने आप में मंथन करें कि क्या गलती उन्होंने की, हम लोग क्या, हम लोगों को लालच है नहीं किसी चीज का, होता तो आज हम बिहार के मुख्यमंत्री हो, बीजेपी से समझौता हो गया, लेकिन हम लोग अपने वसूल के पक्के हैं, ईमानदारी से आप लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, और लालू जी ने छात्र जीवन से ही लड़ाई लड़ी आप लोगों के लिए, और हम उतना ही कहेंगे जिसने इतने वर्षों तक पूरी जवानी आप लोगों की लड़ाई लड़ने में लगा दी है, पूरा बुढ़ापा बीमार होते हुए भी लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं, क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता कि उनकी लड़ाई को आप लोग लड़ने का काम करें, लड़िए लड़ाई उनका, आज गांधी जी ने बोले लड़िए ना, एक बालू गिट्टी बंद कर दिया, हाउस को हम लोग उठाए, बिहार बंद किया, आने वाले समय में फिर विधानसभा खुलेगा 26 तारीख से, हम पूछेंगे नीतीश जी का, लेकिन हम लोग हाउस में आजकल बैठते तो नीतीश जी का इधर रहता है, सामने नहीं बैठते, कहां से बैठेंगे, नहीं सामना नहीं हो पाता है, फिर भी आप लोग सब लोग अपने आप में समझदार लोग हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, खुद एक एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और लालू जी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आप लोगों न्याय के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आरक्षण के लिए लड़ना पड़ेगा, हमारे संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय भाजपा के लोग नारा लगाते थे 14 में, हर हर मोदी घर घर मोदी, फिर नया नया बात करेगा, फिर से आप लोगों के बीच जुमला फेंकेगा, फिर भागिएगा मत, हम उस समय कहते थे हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, गड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी, लेकिन आप लोग नहीं समझते थे, तो इस बार समझ के आप बोलते कि पकौड़ा बेचो, ठीक है, हम सम्मान करते हैं पकौड़े बेचने वालों का, फल बेचने वालों का, सब्जी बेचने वालों का, हम सर पे रखते हैं उनको, सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन आप बताओ मोदी जी, जो अब तक चाय बेच रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया, जो दुकान में मंदी छाई हुई है, क्या आप मुआवजा देंगे, बताए मोदी जी, आप पकौड़ा में दुकान लगाने के लिए तो जमीन चाहिए, ठेला चाहिए, सामग्री चाहिए, तो उसका पैसा दे दो, जमीन दे दो, जो डिग्री वाला है एनडीए का स्टूडेंट है, इंजीनियर का स्टूडेंट है,
कम से कम मान लो परिवार चलाने के लिए तो कुछ आदमी करेगा ना, ईमानदारी से मेहनत करके कमाएगा। अगर आप कहते हैं पकौड़ा बेचो तो कम से कम जो डिग्री वाले अपना घर चलाने के लिए पकौड़ा भी बेच लेंगे, लेकिन उसके लिए जमीन तो दे दीजिए, पैसा तो दे दीजिए, फिर से आपके बीच में आज जुमला खेला जाएगा। लेकिन सतर्क रहना है, यूपी में पूरे तरीके से कोशिश चल रही थी भाई भाई में लड़ाने की, हिंदू मुसलमान में दंगा कराने की। आपको बता दें, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, अगर इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन जाएगा, अगर इंसान नहीं रहेगा तो गुरुद्वारों में मत्था कौन टेकेगा, अगर इंसान नहीं रहेगा तो गिरजाघर में प्रेयर कौन करने जाएगा। इसलिए इंसानियत के रास्ते पे आपको चलिए, ये देश की खूबसूरती है, पूरे दुनिया में जाना जाता है इसी खूबसूरती की वजह से कि अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग राज्य है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग पहनावा है, फिर भी हम लोग मिलकर के अलग अलग धर्म जातिया होने के बाद भी मिलजुल करके रहते हैं, यही हमारी देश की खूबसूरती है। इस देश की खूबसूरती को भी बताना आप लोगों का फर्ज बनता है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते, आने आने में लेट हो गया, आप लोग सभी हमारे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, और कुछ लोग पार्टी ज्वाइन भी करेंगे, लेकिन एक बात आप लोग फैसला कर लीजिए, आप लोग मानते हैं ना राजू जी को तेजस्वी भ्रष्टाचारी है, तो पार्टी को मजबूत करना है ना, जिताइएगा ना अररिया सीट से। हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का ढेर पकड़ा होगा, वहां जो तय होगा उसी को टिकट मिलेगा, और जहां जहां अररिया में घूम रहे सब लोगों का यही मांग है कि सब साथी को टिकट दिया जाए। इसलिए हम लोग जो बात होगा पार्टी तय करेगी, हम उन बातों को हम लोग पार्टी के समक्ष रख देंगे, लेकिन आप लोग सब लोग एकजुट होकर के काम कीजिए। और तस्कीन जी का निधन हुआ, इंतकाल हुआ, हमारे पिता उनको चाचा कह के बुलाने का काम करते थे, हम उनके गोद में खेले हुए हैं, हमारा पारिवारिक संबंध भी रहा है, शुरू से हमारे पिता के संघर्ष के साथ ही रहे हैं। इसलिए आज के दिन हम उनको याद करते हैं, ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और सीमांचल के गांधी की भी लड़ाई आप लोग